से तुम्हारा कोई मोह है? कोई मोह है? चार दिन तक रहे, तुमने पे किया, चुरा और लिया, बनाए नहीं, बिगाड़ के आ गए। हमारा नहीं है, रेडिसन वालों का है। भारतीय रेल में तो बाएं हाथ से जो मग उठाया जाता है उसको भी जंजीर में बांध के रखी जाती है। भारत के लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। बताओ महाराज, जिस पात्र को कोई छूना न चाहे उसको भी इतना मोटा जंजीर में? भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, पहले जंजीर तो हटवा दो उस मग से। इतना तो हमारा चरित्र हो, उस संपत्ति के प्रति, भारतीय संपत्ति के प्रति, उस जापानी की तरह। जब विवेकानंद जापान में बस पे बैठ के जा रहे थे, जापानी बगल में बैठा हुआ था, फटे हुए सीट को सिल रहा था, तो विवेकानंद ने पूछा, तुम क्या कंडक्टर हो, कर्मचारी हो? बोला नहीं। अच्छा, बस की सुरक्षा के लिए? बोला नहीं। बोला मैं एक साधारण यात्री हूं। बोला तुम क्यों सिल रहे हो? बोला मेरे राष्ट्र की संपत्ति है, इतनी फटी है कोई उंगली लगा के और न फाड़ दे, इसलिए सिल दे रहा हूं मैं बैठा हुआ। ये राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्र प्रेम है। हम गाते रहे कि भारत विश्व गुरु हो जाएगा, लेकिन जब तक हम भी पक्की व्यासपीठ से कह दे रहे हैं, जब तक वो चेन जंजीर से हटेगी नहीं तब तक मामला गड़बड़ है। इतना भी विश्वास नहीं, पंखा उठा ले जाए ट्रेन का, एक से पंखा पूरा न गया तो ऊपर का ढक्कन उठा के ले गए। हम कि ये क्या कर, वाला सब्जी रखूंगा, हम कि कमाल है। तो तेरे जैसा चोर नहीं देखा भाई, अद्भुत है तू, कुछ भी काम आ जाए सरकारी चीज में उठा के लिए जाए। बताओ, सरकार का सरकार तो हम ठाकुर जी को भी कहते हैं, सांवरिया सेठ, सांवरिया सरकार, ओरछा नरेश, हमारे ठाकुर जी सरकार हैं, बड़े सरकार। तो इस सरकार के प्रति आपकी ऐसी भावना है तो बड़े सरकार के प्रति भी कैसी होगी, ये समझ आ रहा है।